पी के कोई भविष्यवक्ता है, पहले अपने बारे में उनको तय कर लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको तो जो हायर करेगा उसके तरफ जाकर के वो प्रचार करते हैं। कभी बंगाल में ममता जी के प्रचार में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में चले गए थे। वो भविष्यवक्ता नहीं है कि किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर बयान दिया है, उसके बाद से बिहार की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि जो प्रशांत किशोर है उनका कहना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसके बाद से ही जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई है। लगातार जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं नेता हैं या फिर जेडीयू कोटे के मंत्री हैं नेता हैं, उनका बयान इस मामले पे सामने आ रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका बयान सामने आया है। श्रवण कुमार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि क्या कोई भविष्य वक्ता है प्रशांत किशोर, अगर है तो पहले अपना खुद तय कर लें कि उन्हें क्या करना है। प्रशांत किशोर को जो हायर करता है वो उसके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। पहले ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में गए चुनाव प्रचार करने, वहीं अगर कांग्रेस की जरूरत पड़ी, कांग्रेस ने हायर किया तो उत्तर प्रदेश में गए चुनाव करने। उनको जो हायर करेगा उसके लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए अपने बयान में किस तरीके से प्रशांत किशोर पर भड़के नजर आ रहे हैं जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार। पी के कोई भविष्यवक्ता है, पहले अपने बारे में उनको तय कर लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको तो जो हायर करेगा उसके तरफ जाकर के वो प्रचार करते हैं। कभी बंगाल में ममता जी के प्रचार में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में चले गए थे। तो जो उनको बुलाता है, जो उनको अच्छा लगता है वो चले जाते हैं। वो भविष्यवक्ता नहीं है कि किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इतनी बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी ने जो कदम बढ़ाया है, जो उठाया है, भाजपा से अलग होने का जो फैसला कर किया है, उस समय से देश में एक नई राजनीति परिस्थिति पैदा हुई है और पूरे देश में इन राजनीति परिस्थिति का स्वागत हो रहा है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका फलाफल को आरक्षण की सुविधा पहले से प्रदत्त है। और आपने देखा है कि पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें आरक्षण नियम का पालन करते हुए चुनाव हुआ था, और कुछ लोग इसे आरक्षण के विरोध में रहते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता हैं उनके दिमाग में बात दूसरी चलती रहती है। तो जाकर के कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर करते हैं और अति पिछड़ों के आरक्षण को रोकने की दिशा में वो पहल करना चाहते हैं, लेकिन जो कोर्ट का, न्यायालय का निर्देश है, आदेश है, उसका पालन किया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की जनता में जो आरक्षण की पहले से सुविधा है वो सुविधा बहाल रहे, यह बिहार की जनता चाहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।